हाय एवरीवन, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 10 किचन प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप इन प्रोडक्ट को चेकआउट करना चाहते हैं या इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप इनको चेक भी कर सकते हैं, वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है डबल लेयर सोप डिश ट्रे, इसमें दो लेयर हैं जिसमें आप आसानी से साबुन वगैरह भी रख सकती हैं और नीचे जो स्क्रबर की जगह है डबल लेयर है, तो ये इसमें आप दोनों चीज़ें रख सकती हैं और साथ में ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। आपको चाहे जहां आप दीवार में चिपका सकते हैं या टाइल्स में भी चिपक जाता है, जिसको आप सिंक में या बाथरूम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड चिपकता है, ऐसा नहीं है कि निकल जाए वाटर में यूज़ होने पर, तो आप इसको निकाल करके साफ भी कर सकते हैं, फिर से इसको दोबारा भी चिपका सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे ब्रांड का है। इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत है तकरीबन 250 से लेकर 300 रुपए के बीच में, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है खास करके सिंक के ऊपर रखने का, क्योंकि वहाँ पर हमको स्क्रबर भी ज़रूरत पड़ती है, साबुन की भी या लिक्विड सोप की भी ज़रूरत पड़ती है, तो सब कुछ आप आसानी से मैनेज कर सकती हैं। तो आप अगर इसको खरीदना चाहती हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आप खरीद भी सकती हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है चकला बेलन स्टैंड। बहुत से लोगों के यहाँ जगह नहीं होती है चकला बेलन को रखने की, तो आप इसको कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। इसमें दो आपको स्क्रू होते हैं दिए जाते हैं, या कील कह लीजिए, उसको आपको फिट कर देना होता है। तो आप इस तरीके से इसमें अपना चकला बेलन और जो चिमटा होता है रोटी सेकने वाला, उसका भी इसमें जगह दी होती है, तो आप इसको आसानी से टांग सकते हैं। तो इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत बहुत ही कम है, 185 रुपये का ही आपको पड़ेगा ऑनलाइन मंगाने पर। तो ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि सभी बर्तन तो हम आसानी से रख सकते हैं, लेकिन चकला बेलन रखने में काफ़ी दिक्कत आती है, समझ नहीं आता है कि इसको हम कहाँ एडजस्ट करें, तो आप अपने किचन पर किसी भी दीवार में रख सकते हैं। तीसरे प्रोडक्ट जो है वो है हैंडी चॉपर वेजिटेबल कटर एंड फूड प्रोसेसर। इसमें एक साथ काफ़ी काम हो जाते हैं। इसमें आप सभी तरह की सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, गोभी, पालक वगैरह को आप अच्छे से चॉप कर सकते हैं एकदम बारीक, और आप चाहे तो इसमें मिल्क शेक वगैरह भी बना सकते हैं, या आपको कोई चीज़ फेंटनी है तो आप वो भी फेंट सकते हैं, जैसे दही है, या आपको घोल बनाना है बेसन का कड़ी के लिए, तो आप कुल मिला के शेक्स वगैरह, लस्सी वगैरह इसमें बना सकते हैं। तो इसमें एक हाथ से खींचने के लिए यानी कि पुल करने के लिए एक ऊपर बटन दिया हुआ होता है जिसको आपको हाथों से पुल करना होता है, और जैसे आपकी सब्जियां बहुत ही फाइन चॉप हो जाती हैं और आप तरह तरह की इससे रेसिपी बना सकते हैं। हम लोगों को आए दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है चॉपिंग की हुई सब्जी को एकदम बारीक, जैसे मैंने यहाँ पर मिर्च आपको दिखाई है, तो आप मिर्च को भी चॉप कर सकते हैं, प्याज चॉप कर सकते हैं, और आप शिक्स वगैरह भी बना सकते हैं। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत है 275 रुपये के लगभग। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है उसका नाम है होल्डर डस्टबिन। इस डस्टबिन की ये खासियत है कि आप इसको कहीं पर भी, इसका जो स्टैंड है इसको आप फिट करा लीजिए, तो आप वहाँ पर इस डस्टबिन को रख सकती हैं। कई बार हमारी किचन में या हमारे घर पर इतनी जगह नहीं होती है कि हम डस्टबिन को नीचे रखें, क्योंकि रखने पर काफ़ी गंदगी भी फैलती है, तो आप इसको ऊपर की तरफ जहाँ पर भी आपका मन है दीवार में या फर्नीचर में आप इसको फिट कर दीजिए, तो वहाँ पर आप इसको होल्ड कर सकती हैं, तो इससे गंदगी नहीं फैलती है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। इसका प्राइस है 275 रुपये के लगभग। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, जिनके घर पर जगह कम है तो वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है वेजिटेबल कटर सीजर। इसमें 5 ब्लेड्स दी रहती हैं, इससे आप कोई भी सब्जी फटाफट काट सकते हैं, चाहे वो धनिया हो, पालक हो, यानी कि पत्तेदार सब्जियां हो, बहुत अच्छे से इसकी कटिंग कर सकते हैं एकदम बारीक, और आप इसे सलाद भी कट कर सकते हैं, जैसे मूली, गाजर, ये सब चीज़ें भी आपकी एक बार में कम से कम 5 स्लाइस आपके निकलने वाले हैं, तो बहुत ही फटाफट ये आपके काम को जल्दी करने वाला है, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। तो ये आजकल बहुत क्रेज़ में है, सब लोग घर पर इस सीजर को ज़रूर रखते हैं, बहुत यूज़फुल है। तो इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये आपको 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच में मिल जाएगी, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिए और परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। और साथ में इसके एक ब्रश दिया हुआ होता है, जिससे अगर बीच में थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह फंस जाती है या पत्तियां फंस जाती हैं, तो आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं।
अब हम अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ब्रूम एवं मॉप होल्डर, यानी कि आप झाड़ू या आपके यहाँ जो पोछा वगैरह है आप उनको आसानी से इसमें टांग सकते हैं। जगह की कमी होने की वजह से झाड़ू पोछा वगैरह हमारे घर में ऐसे ही डले रहते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, काफ़ी जगह घेर लेते हैं। तो आप इस स्टैंड को एक दीवार पर या दरवाजे के पीछे कहीं पर भी इसको फिट कर लीजिए और आप इसमें आसानी से झाड़ू वगैरह टांग सकते हैं। तो इसके अलावा भी इसमें कुछ होल्ड दिए रहते हैं जिसमें आप कपड़े वगैरह भी टांग सकते हैं। आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आइटम किचन के भी आप इसमें टांग सकते हैं। तो इसमें कसने के लिए सिस्टम रहता है जिसमें आप जैसे वाइपर वगैरह आपको हैंग करना है तो आप उसको कस दीजिए तो उसी साइज़ का ये जो एरिया है छोटा हो जाता है और इस तरीके से आप इसको अच्छे से कस सकते हैं। तो वाइपर वगैरह सब कुछ इसमें आराम से हैंग हो सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 250 से लेकर के 350 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाता है। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो प्रोडक्ट है ये है क्लॉथ ड्रायर स्टैंड, यानी कि कपड़े सुखाने वाला स्टैंड। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है क्योंकि मोस्टली लोगों के घर पर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है या बहुत से लोगों को दिक्कत होती है बार बार छत पर जाकर सुखाने की, या सर्दियों में दिक्कत होती है ऊपर बार बार कपड़े लेने जाएं बरसात में। तो आप इस स्टैंड को घर पर पंखे पर, जैसे अपने रूम का पंखा चला देते हैं रात को, तो इस स्टैंड को आप अपने रूम पर रख लीजिए और इसमें आप ढेर सारे कपड़े सुखा सकते हैं एक बार में। तो ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, बहुत मजबूत है और इसमें हैंगर दिए हुए हैं। ये जो आप रेड कलर के देख रहे हैं ये हैंगर है, इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें एरिया होता है, काफ़ी कपड़े आपके आसानी से इसमें सूख जाएंगे। तो आप इस स्टैंड को चाहे तो सीधे धूप में भी रख सकते हैं, अगर पानी बरस रहा है तो सीधे आप स्टैंड को उठा करके पंखे के नीचे रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी थोड़ी कीमत ज़्यादा है। ये 800 रुपए से लेकर के आपको 1000 की रेंज में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे कपड़े टंगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आपको अगर आपके घर पर जगह कम है या आपको दिक्कत होती है बार बार कपड़े सुखाने में तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एग कटर। इससे आप आसानी से एग की स्लाइस कर सकते हैं, यानी कि बॉयल एग की। इसके साथ भी अगर आप इसको आप चाहे तो इसमें टमाटर भी कट कर सकते हैं। तो जो भी आपको सॉफ्ट चीज़ होती हैं, जैसे सॉफ्ट सब्जियां होती हैं चीकू वगैरह, उसके भी आप इसको पीसेस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो एग का रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जितने भी पीसेस कटते हैं ना बहुत ही बिल्कुल क्लीन कटते हैं, एकदम साफ़ सुथरे कटते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये 250 रुपये से ले करके आपको 300 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, साथ में ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें दो चीज़ों का कॉम्बो आता है। इसका नाम है एप्पल पीलर एवं एप्पल कटर, यानी कि इसमें कटर भी दिया होता है। और इस जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये मशीन देख रहे हैं, इससे आप एप्पल को छील भी सकते हैं। इसमें आपको एप्पल को लगाना है और इसको घुमाते जाना है, जिस तरह से जूसर होता है ना उस तरह से आपको घुमाते जाना है, तो इसका जो छिलका है वो आसानी से उतरता जाता है। इसके अलावा आप इसमें चीकू नाशपाती वगैरह और भी फ्रूट्स भी छील सकते हैं आसानी से। और जो कटर है इसमें, तो कटर की मदद से ये बहुत अच्छे से कट जाता है। आपको बस इसको बीच में रखना है इस फ्रूट्स को और थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जिससे इसके बहुत ही अच्छे शेप में इसके पीसेस कट हो जाते हैं। और जो इसका बीज का पार्ट है, यानी कि जो इसके बीज हैं, वो अलग हो जाता है हिस्सा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको 300 रुपये से लेकर के 400 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएगा। तो आप इसको चेकआउट करिए और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है 3-in-1 किचन सिंक ऑर्गेनाइजेशन। सिंक में जब हम लोग बर्तन धोते हैं तो बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, टॉवल से लेकर सोप, लिक्विड डिशवॉश, स्पॉन्ज, स्क्रबर वगैरह, बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको एक बार में ही सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। ये देखिए, डिशवॉश से लेकर ब्रश, स्पॉन्ज, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा कि एक बार आप रख दीजिए, इसी में सब चीज़ें फिट हो जाती हैं, अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सामान बिखरा हुआ रहता है। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको 300 रुपए से लेकर के 400 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगा। आप इसको चेकआउट करिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसके आप मैंने रिव्यू पढ़े हैं सारे प्रोडक्ट के, मुझे बहुत अच्छे इसके रिव्यू लगे। जिन लोगों ने इसको ख़रीदा है, उन्होंने यूज़ किया है, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपके लिए छाट के ये प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ताकि आप जान सकें कि ये सब प्रोडक्ट भी आते हैं और आपके हिसाब से, आपकी समस्या के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। इन प्रोडक्ट को मैं लेकर के आई हूँ।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस तरह की प्रोडक्ट देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर हाँ तो मैं आगे आने वाले समय में ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट लेकर के आपके लिए आती रहूँगी, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट मेरे लिए भी खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज किए हैं, मैं आने वाले समय में आपको दिखाती जाऊँगी। अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।